नमस्कार, मेरे चैनल सरोज द एप्रेन गर्ल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम क्रिस्पी और बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाला डोसा, जिसे हम बिना दाल चावल भिगोए एकदम झटपट से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग जार लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, 2 छोटी चम्मच उड़द दाल, 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालेगा और इससे जो हमारा डोसा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब हम इन सब चीज़ों का एक फाइन पाउडर बना लेंगे। जब फाइन पाउडर बन जाए तो उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक, 2 कप पानी। इसको हम एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बैटर हमारा रेडी है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच ऑयल। डोसे के लिए जब आप मसाला बनाएं तो उसमें ऑयल का कम ही यूज किया जाता है। तो अभी ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेगा, फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है मसाले के साथ। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसमें डालेंगे 3-4 उबले हुए आलू, जिसको हाथ से भी तोड़कर डाला है मैंने। इसको अब खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और अब डाल देंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। इसको हम बिल्कुल अच्छे से अभी पकाएंगे। जब आलू अच्छे से पक जाए तो उसमें हरा धनिया डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, अब तैयार है डोसे के लिए फिलिंग बन करके एकदम तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब इधर बैटर को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हमारा हल्का सा गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम इसको इस तरह से चेक कर लेंगे कि इसमें जो बैटर है वो स्पून पे पीछे कोट हो रहा है। तो अब हमारा बैटर डोसे बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा आपके पास नहीं है तो आप इनो फ्रूट सॉल्ट डाल सकते हैं, वो भी आपको इतना ही डालना है। ये आपको तब डालना है जब आपको डोसा बनाने हो, तभी तुरंत आपको डालना है, तुरंत ही इसके डोसे बनाने हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा हाई गर्म तवे पे हमें डोसा नहीं डालना है। और फिर इस तरह से अच्छे से हम डोसा डाल के इसको ऐसे फैला देंगे। लोहे के तवे पर जो हमारा डोसा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो अब हम इस पर थोड़ा ऑयल लगा देंगे ऊपर से और अब ये थोड़ी ही देर में ऊपर से एकदम ड्राई हो जाएगा। इसे इसके साइड्स हटाते हुए इसको पलट लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट डोसा बन गया है। और दूसरी साइड से भी हम हल्का सा सेक लेंगे। हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी वो रख देंगे। ये लीजिए, एकदम परफेक्ट और क्रिस्पी डोसा बन करके हमारा तैयार है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी डोसा बन करके तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।